तो चार्ट्स के ऊपर बहुत ही मजेदार टॉपिक कवर करने वाले हैं। हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट शो करना है कि भी कौन सा प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ और कब खत्म हुआ। अगर हम बात करें तो कुछ एमएस प्रोजेक्ट जैसे दिख रहा आपको, इस तरह के जो प्रोजेक्ट है इस तरह का हमें चाहिए, या इस तरह के भी देख सकते हैं कि कौन सा कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ, दिख रहा है। इस तरह का चीजें हम बनानी है। तो हालांकि जो जो चीज मैं बताया वो तो चार्ट्स के जरिए कंडीशनल मोमेंटम की मदद से बनाया गया, लेकिन कंडीशनल मोमेंटम की मदद से फॉर्मूले की वजह से बनाया गया, चार्ट की यूज नहीं है। बट मुझे इस पे चार्ट बनाना है। तो कैसे बनाए? अब देखिए बहुत ही सिंपल ट्रिक्स मैं यूज कर रहा हूँ। सबसे पहले डेट को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ नंबर, ये जरूरी है, ध्यान रखिएगा। फिर डेटा को सेलेक्ट किया और डेटा को सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे गया बार चार्ट। जो बार चार्ट दिख रहा है ना, ये वाली, इसको मत लीजिएगा, ठीक है। हमें ये लेना है कि दोनों का एक बन जाए, मतलब कि एक एक बार हो। अब एक बार बनने के बाद आप यहां देख पा रहे हैं, यहां पे देखिए थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, आप देख पा रहे हैं कि ये स्टार्टिंग में ये तो यहां हुआ कि P10 इतना बड़ा चला और नंबर्स आ गए। सबसे पहले बात कि हमारा चार्ट तो 1 to 10 है, बट यहां 10 to 1 आ रहा है। इसको सही करना है ना सर? तो राइट क्लिक करके मैंने फॉर्मेट एक्सिस में गया और करने के बाद इसमें आता है एक रिवर्स, टेक एक्सिस ऑटोमेटिकली कैटेगरी मैक्सिमम टेक कैटेगरी इन रिवर्स ऑर्डर, दिख रहा है सर? रिवर्स कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा। अभी रिवर्स करने से मेरा डेट ऊपर चला गया। अब इस डेट को यहां पे हम आते हैं, जो सेलेक्ट कर लिया इसको सेलेक्ट करके इसका फॉर्म आ जाता है यहाँ पे एक्सिस ऑप्शन, तो डिस्प्ले यूनिट है, नीचे आते हैं एक्सिस वैल्यू मैक्सिमम, नहीं ये नहीं, ये आता है नेक्स्ट टू एक्सिस, ऑटोमेटिक लेवल पे होता है। तो यहां पे मैं हाई कर दूंगा तो नीचे आ जाएगा, तो अब परफेक्ट हो गया क्या सर? अब मैं अपना डेट जो है इसको चेंज करता हूं, देखिए चेंज हो गया। अब यह 19 जैन से इसमें स्टार्ट कर दिया होगा, तो ये गलत है क्योंकि हमें हमारे 46/6/24 से स्टार्ट करना है ना। तो इसको एक्सेस को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और जो मिनिमम वैल्यू जो यहाँ बाय डिफॉल्ट लिया हुआ है कि 4426:21 या 20 से स्टार्ट कर दीजिए, 21 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और मैक्सिमम हमारा हो 4479। और इसमें हमने बोला है कि एक एक का हो तो पूरा महीना यहाँ पे दिख गया आपको, लेकिन प्रॉब्लम है कि बहुत इस तरह से नंबर में दिख रहा है। अब मैं इसको डेट में कन्वर्ट करता हूँ तो डेट आ गई, फिर भी दिख नहीं रहा है ना सर? तो इसमें अलाइनमेंट में मैं आ रहा हूं और इसको मैं थोड़ा सा वर्टिकल इस तरह से कर दे रहा, कर दिया सर? हेलो, थोड़ा सा साइज भी छोटा कर दूंगा तो थोड़ा सा और बेटर दिखेगा, दिख रहा है सर। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम है कि मेरा वो चार्ट उस तरह का चार्ट नहीं बन रहा है ना जो मैंने बताई थी, क्योंकि इसमें तो बीच बीच में जहां से स्टार्ट है वहां पर खत्म है ना सर, बट यहाँ तो आपका ये आ गया, इस तरह के चीज आ गए। कोई बात नहीं, मैं इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद इसकी फॉर्मेट या फिल नो फिल बॉर्डर नो बॉर्डर, करेक्ट हो, सब सब हट जाए। राइट क्लिक कर ऐड डेटा लेबल। अब डेटा लेबल में मुझे डेट चाहिए तो इसकी नंबर फॉर्मेटिंग आपके यहाँ दिखेगा, यहाँ पे इस पे नंबर, और यहाँ पे मैंने क्या किया कि कोड है, यहाँ पे मैंने बोल दिया हैश और यहाँ पे डेट ऐड कर देता हूँ। हो गया सर? ठीक है।
चार्ट्स बेसिकली इसी तरह की ट्रिक्स से बनता है सर। जितने भी चार्ट्स आप देखते हैं इसी तरह के ट्रिक्स से बनेगा। ओके नागेश जी, तो दोस्तों अभी भी मैंने अभी मिस्टर राकेश को मैंने भी समझाया, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, पूरी क्लास मैंने नहीं डाली है क्योंकि पूरी क्लासेस यूट्यूब पे नहीं डलती है मेरी। मेरी पूरी क्लासेस के लिए आप मेरे साथ जूम के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाएं और एक्सेल एमआईएस ट्रेनिंग सर्च करें और मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लें। थैंक यू।